दिल्ली से मूंग की बोरियां लेकर भागे ट्रक को एमपी की टीकमगढ़ जिले की बड़ागांव पुलिस ने पकड़ लिया है। ट्रक चालक स्थानीय लोगों से मिलकर दाल की बोरियां बेच रहा था, तभी पुलिस को देखकर ट्रक चालक और उसका साथी ट्रक छोड़कर भाग गए। पुलिस ने बोरी बेचने और माल चोरी को लेकर मामला दर्ज कर बोरियों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बड़ागांव थाना प्रभारी आरपी चौधरी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि श्री जी ट्रेडर्स कंपनी द्वारा बीते 3 अगस्त को मूंग की 711 बोरियां ट्रक से पिपरिया से दिल्ली भेजी गई थी, जो सही पते पर नहीं पहुंची। वहीं इसकी जीपीएस लोकेशन टीकमगढ़ जिले के थाना बड़ागांव क्षेत्र में मिली, जिसके बाद कंपनी की ओर से ट्रक चालक हरिचंद्र उर्फ लाला निवासी मथुरा और गजेंद्र सिंह ठाकुर निवासी ग्राम भेला के विरुद्ध मामला दर्ज कराया। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं 2 लोग फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है। दिनांक 3/8 को जो है पिपरिया से होशंगाबाद पिपरिया से एक ट्रक लोड हुआ था HR 38B 2859, इसमें उन्होंने जो है 354 मतलब 711 कट्टी ये दिल्ली भेजा था, तो उसमें ड्राइवर था लाला और फिर हरिश्चंद। ये इसने जो है ना क्या नाम से अपने रोड छोड़ के नवागढ़ रोड से ये सापन तरफ जो भाटा है वहाँ का ये गजेंद्र राजा है उससे कांटेक्ट से उसको अनलोड कर रहा था, तो ये इसमें जीपीएस लगा था ट्रक में, तो उस जीपीएस के माध्यम से उस मालिक ने वो मालिक से सांठगांठ जैसा भी हो उसने खबर की और खबर के जो माल मालिक आकर यहाँ रिपोर्ट किया। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 155 आवले 21 धारा 407 पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना में हमने अभी तक 4 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। एक उसको भान सिंह यादव है बहादुरपुर का जिसने माल खरीदा था, और एक 2 यहाँ के बड़ागांव के रैकवार हैं, और एक जो है रघुवीर यादव है बहादुरपुर का जो उसका मेन दलाल था, जो बहादुरपुर का जो मेन दलाल है वो भेला का जो गजेंद्र राजा है इसके और मेन ट्रक के ड्राइवर के कांटेक्ट में था। इन्होंने सांठ गांठ करके खुड़ किया माल को। हमने मैं ट्रक है और मूंग के बरामद कर चुके हैं, वो करीब 53 बोरी और बाकी पूरा माल बरामद हो गया। करीब 38 लाख का मैं ट्रक ट्रैक्टर और मूंग के बरामद कर लिए गए। कितने आरोपी अभी पकड़े गए? 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अभी आरोपी गजेंद्र राजा और जो ट्रक का ड्राइवर है हरिश्चंद ये फरार है, इसको शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। टीकमगढ़ से सुधीर मवई, सागर टीवी न्यूज़।